स्कूल के अंदर क्या कहना आपका, क्या उसकी जानकारी आपको? देखिए, पिपलीपुर झुग्गियों में रहने वाला ये बच्चा जो कि 21 वर्ष के करीब का है जो मुझे पता चला है, और एनसीडी प्राइमरी स्कूल ब्लॉक 7 के सीवरेज के अंदर ये मिला है, जहाँ की निगम पार्षदा भावना मलिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं वो, खासकर जोन चेयरमैन हैं। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उस एनसीडी में हम लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसे नगर निगम के नेताओं को कोई परवाह नहीं है, ये बहुत ही शोचनीय अवस्था है। इसमें 21 साल के बच्चे की बॉडी का मिलना, और जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे 5वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और उन बच्चों की सुरक्षा की हम कैसे गारंटी उनके माता पिता को दे पाएंगे, समाज को कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि आपके बच्चे हमारे एमसीडी स्कूलों में सुरक्षित हैं, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, और उनका किसी भी तरीके से हनन नहीं होगा, ये कैसे हम गारंटी दिला पाएंगे अगर 21 साल के बच्चे की यहाँ मिली है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था है, उसके बावजूद यहाँ पे किसी की बॉडी मिलना और सीवरेज के अंदर मिलना, और पूरे स्टाफ को किसी को इसकी जानकारी नहीं, क्षेत्रीय लोग जो पड़ोस में रहते हैं उनको जब गंध आई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, और पुलिस के माध्यम से उस डेड बॉडी को निकाला गया। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अफसोस की बात है। भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम में बैठी है, उससे साफ साफ पता चलता है कि वो कितनी संवेदनशील है इन बच्चों के प्रति, एमसीडी स्कूलों के प्रति। अभी तक ना तो यहाँ की पार्षदा आई हैं, ना मेयर साहब आए हैं, उनको अभी तक आना चाहिए और इसका संज्ञान लेना चाहिए था। हाथरस में